अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर के लेक्चर को पढ़ेंगे, जो कि है लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। चले आए हम अपने लेक्चर की तरफ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला है वो इंफॉर्मेशन और जो दूसरा है वो है टेक्नोलॉजी। या इस लेक्चर में हम लोग इंफॉर्मेशन को अलग से एक्सप्लेन करेंगे और टेक्नोलॉजी क्या होती है अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो इंफॉर्मेशन जो है उसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है डेटा। अगर आपको डेटा की समझ आ गई तो इंफॉर्मेशन समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डेटा क्या होता है, वो कहता है रा फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डेटा। डेटा कहते हैं आपका कोई भी रा फैक्ट्स हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है जो आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज, आप भी हो सकते हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या फर्दर और बहुत सी चीजें। तो यहाँ पर वो कहते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट होगा तो वो डेटा होगा। डेटा को आप कह सकते हो, यहाँ पर ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है रा का, यहाँ पर मतलब होता है अनप्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जिस पर कोई अमल दरामद अभी तक ना किया गया हो। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो बड़ी सिंपल सी है, जैसे आप लोग किसी कॉलेज या यूनि में अपना फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म के ऊपर आप अपनी सारी डिटेल देते हो, जैसे अपना नेम, फादर का नेम, NIC नंबर, फोन नंबर वगैरह, वो तमाम चीजें आपके पास डेटा होती है, मतलब अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है, तो उसको आप वहां पर डेटा कह रहे हो। तो इंफॉर्मेशन अब क्या होती है, वो कहते हैं जब डेटा जो होता है उस पर कोई अमल दरामद कर दिया जाए उसको आप इंफॉर्मेशन कहते हो। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं द ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, ऐसा डेटा जिसको आप ऑर्गेनाइज कर चुके हो और फिर प्रोसेस कर चुके हो उसको आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी कहते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। अब डेटा किस तरह से इंफॉर्मेशन बना है वो हम डेटा प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे। वो कहते हैं जब आप किसी डाटा पर कोई अमल दरामद करते हो और फिर वो उसे कन्वर्ट कर देता है किसी इंफॉर्मेशन में तो उसी को आप डाटा प्रोसेसिंग कहते हो। यहाँ पर हम 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर डाटा इनपुट के मायनों में इस्तेमाल होगा और इंफॉर्मेशन आउटपुट के मायनों में इस्तेमाल होगी। अगर ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आ जाता है कि व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, तो आप इसकी एक छोटी सी डायग्राम है वो जरूर बनाइएगा। तो इनपुट क्या होता है, जो कुछ भी हम यूजर को देते हैं, यानी कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट होगी। इसके बाद उसी इनपुट पर या उसी डाटा पर जब आप कोई अमल करोगे, कोई फंक्शन परफॉर्म करवाओगे तो वो प्रोसेस होगा। उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन या जो आउटपुट हमें मिलेगी वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ये एक छोटी सी डायग्राम है, आप जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आए ये डायग्राम बना लीजिए। अब हम इसको मजीद समझने के लिए इसकी एक क्या है इसके, वो कहते हैं जैसे एक स्टूडेंट है उसके इंग्लिश में 80 मार्क्स, मैथ में 95, कंप्यूटर में 76 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हमने इस पे प्रोसेस क्या करना है कि हम इन तीनों नंबर्स को आपस में जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद इसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो टोटल मार्क्स निकलेंगे वो हमारे पास यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो टोटल हमारे पास ये अलग अलग मार्क्स थे इंग्लिश मैथ और कंप्यूटर के, वो हमारे पास यहाँ पर डेटा था और जो टोटल मार्क्स निकले हैं वो इंफॉर्मेशन है। और प्रोसेसिंग में क्या आ गया आपका, जमा के जो आपने अमल किया है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोसेसिंग फॉर्म में आया है। आगे टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये आपकी बुक में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई खास डेफिनेशन नहीं दी गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूर दी गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या होता है उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, इसमें हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ टूल। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो आपका एप्लीकेशन से मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा ऑफ द टूल्स, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर के कोई टूल्स होंगे वो मटेरियल एंड नॉलेज, आपकी कोई भी मटेरियल होगी जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही हो, आप वो भी कह सकते हो कोई मटेरियल है वो भी हो सकता है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो क्या करे किसी मसले को हल कर दे एंड एक्सटेंड द ह्यूमन कैपेबिलिटी, और इंसान की जो इंसान की काबिलियतें हैं
उनको बढ़ा दे, उसको आप टेक्नोलॉजी कहते हो। कहते हैं कि अगर ये जो टेक्नोलॉजी है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो मशीन, यानी कि टेक्नोलॉजी को आप मशीन कह सकते हो, और मशीन यहाँ पर क्या होगा, हमारा कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से मुराद हमारे पास कंप्यूटर होगा। आगे हम टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर है स्पेशली, हम उसको आगे डिटेल में लेके जाएंगे कि कंप्यूटर होता हमारे पास होगा, कंप्यूटर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, फर्दर इंफॉर्मेशन जो है हम वो दे। यहाँ पर सबसे पहले हम कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन में एक चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टैंड ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर वर्ड किन लफ्जों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आ जाता है सी, सी यहां पर है कॉमन, ओ यहां पर है ऑपरेटिंग, एम यहां पर है मशीन, पी यहां पर है पर्टिकुलरली, यू यहां पर है यूज फॉर, टी फॉर ट्रेड। अब यहां पर ट्रेड और टेक्निकल दो वर्ड यूज होते हैं, आप ट्रेड भी लिख सकते हो, टेक्निकली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ई का मतलब यहां पर होगा एजुकेशन, आर का मतलब होगा एंड रिसर्च। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर द ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये टोटल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर का स्टैंड होगा। इन्हीं लफ्जों के फर्स्ट फर्स्ट वर्ड निकाल कर वर्ड कंप्यूटर क्रिएट किया गया है। उसके बाद हम कुछ और इंफॉर्मेशन हैं कंप्यूटर के बारे में वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ या आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही कि कंप्यूटर का जो लफ्ज है वो लातीनी जुबान का लफ्ज है जो कि है कंप्यूट। कंप्यूट के अंदर से वर्ड उन्होंने निकाला है, ड्राइव किया है कंप्यूटर, जिसका मतलब है कैलकुलेशन के, कैलकुलेट करना, हिसाब किताब करना। ठीक है, अगर कंप्यूट, कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, कंप्यूट के वर्ड को कंप्यूटर क्यों कहते हैं, तो इसको समझने के लिए अगर मैं आपको इंग्लिश वर्ड की एग्जांपल दूं तो मेरे पास पहली आ जाती है प्ले, मतलब खेलना, तो खेलने से प्लेयर, खेलने वाला बन जाता है। इसी तरह से अगर है कंट्रोल, तो काबू करने वाला, तो कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोल काबू, तो कंट्रोलर काबू करने वाला। इसी के साथ आ जाता है कंप्यूट, जो कि हमारा एग्जैक्ट वर्ड है कंप्यूट, कैलकुलेशन, हिसाब किताब। टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से मुराद होगा हिसाब किताब करने वाला। यहां पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी जो थी उसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को मायने दिया, एक तारीफ दी, फर्स्ट टाइम इसको किन वर्ड से इसे बुलाया गया, तो मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन, इसको इन वर्ड से सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इन वर्ड्स में बुलाया गया था, आई थिंक 1879 या इसके लगभग करीब की जो आप कह लो दौर है या साल है, उनके अंदर डिक्शनरी में ये वर्ड इंक्लूड किया गया है। बाद हम देख लेते हैं कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, कि कंप्यूटर क्या था और अब तक हमारे पास किस फॉर्म में है और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1946 से लेकर 1959 तक काम कर रही थी। 1959 में ही दोबारा से अगली जनरेशन का काम शुरू हो गया था। तो यहाँ पर हमारे पास थे वैक्यूम ट्यूब, इस किस्म की जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब बनाए थे, और इस किस्म की जनरेशन जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है वैक्यूम ट्यूब के नीचे ही आ रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जो कि इतना बड़ा था, इसको एक तो एक इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता था, दूसरा इसमें क्या है कि बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुए थे, तो ये बहुत ज्यादा हीट छोड़ता था जिसके लिए एयर कंडीशन की जरूरत होती थी। साथ में ही वैक्यूम ट्यूब जो थे वो ज्यादा गर्म हो जाते थे और क्या होता था, टूट जाते थे, जल जाते थे, तो जिसकी वजह से इसे बार बार रिप्लेस करना पड़ता था। इसके इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास दूसरी जनरेशन आई, जो कि हमारे पास 1959 से लेकर 1965 तक मतलब काम किया उस पर, यानी कि 1965 में हमारे पास तीसरी जनरेशन का काम भी करना शुरू कर दिया गया था। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांसिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था और इसका कंप्यूटर पहली जनरेशन के लिहाज से थोड़ा साइज में कम हो गया, लेकिन इसे भी एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए हमने क्या किया और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। तो बढ़ाने के बाद हमारे पास तीसरी जनरेशन आ गई जो कि है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम आईसी के नाम से भी जानते हैं। जब थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर मिलते हैं
ट्रांजिस्टर 1000 की तादाद में मिल जाएं तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। तो ये हमारे पास तीसरा कंप्यूटर था जो साइज में और ज्यादा छोटा हो गया। इसके लिए हमें इतनी ज्यादा एयर कंडीशन वगैरह की जरूरत नहीं थी। इसमें सबसे पहली बार चिप का इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक सर्किट का इस्तेमाल किया गया था जिससे आप एक कंप्यूटर पर काम कर सकें। तो फर्दर टेक्नोलॉजी पे काम और बढ़ता गया, कंप्यूटर को और एडवांस शक्लें दी गई। तो उसके बाद हमारे पास आ गया माइक्रो प्रोसेसर जो कि हमारी है फोर्थ जनरेशन। अभी तक सब लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का। कुछ लोग हैं जो अभी एडवांस इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें इतनी खास ज्यादा एबिलिटीज नहीं आई हैं। बस कुछ हद तक हम इसको यूज कर रहे हैं लेकिन ज्यादा के पास माइक्रो प्रोसेसर यानी के फोर्थ जनरेशन ही इस्तेमाल की गई जो 1971 से 1980 तक काम इस पे रहा और 1980 के बाद ही फिफ्थ जनरेशन पर काम करना शुरू हो गया। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो आजकल के कंप्यूटर हमारे पास मौजूद हैं वो वाले हैं। आगे हमारे पास और ज्यादा हमारी जो फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर थी इसमें ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, एयर कंडीशन की जरूरत भी नहीं थी, ज्यादा जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, अच्छे थे। लेकिन फिर भी इनको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया तो एक और चीज आ गई, मतलब इसे 1980 में बनाना शुरू किया और अब तक ये डिवेलप ही हो रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे तो हमारे पास मोबाइल फोन्स आए, मोबाइल फोन्स जो थे वो स्मार्ट में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से हमारे पास पहले पीसी था, पीसी से हमारे पास पीसी पहले कौन सा था जिसकी जिसके पास सीआरटी मॉनिटर था। सीआरटी मॉनिटर क्या होता है ये आगे हम कंप्यूटर के लेक्चर में ही पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिर उसके बाद क्या हुआ वो चेंज होकर एलसीडी में कन्वर्ट हो गया, कंप्यूटर जो हैवी था उसे लाइट वेट कर दिया गया, लैपटॉप्स बन गए, मिनी लैपटॉप्स बन गए, पॉकेट कंप्यूटर्स बन गए, स्मार्ट जो थे टच वाले वो कंप्यूटर्स आ गए। तो ये सारी फिफ्थ जनरेशन में थी और अभी तक फिफ्थ जनरेशन में काम थ्रू ऑन कंटिन्यू है। अगर बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर का नाम दिया गया है तो मैं यहाँ पर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दूंगी यानी कि मस्नूई जहानत का कंप्यूटर। अब वो वर्क करेंगे जो कि बेसिकली इंसान काम करता है, वो वाले काम अब कंप्यूटर से परफॉर्म करवाए जाएंगे ताकि इंसान का जो वक्त है वो और ज्यादा बच सके। इसके अलावा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में अभी तक जो कंट्री सबसे ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड काम कर रही है वो है चाइना की कंपनी। नॉर्मल अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो सबसे पहले स्मार्टफोन भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो चाइना जो है वो अभी तक सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर आगे जा रहा है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा कैसे एक्सपेंड कर सकें। इसके बाद बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो क्या काम करती है, जो कंप्यूटिंग यानी कि कैलकुलेटिंग का काम करती है विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक टू, मतलब ये लिंक हो जाता है, कम्युनिकेट पैदा कर लेती है, रابطہ पैदा कर लेती है और फिर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर ले या आप कह लो या ट्रांसफर कर देती है, ज्यादा सूटेड वर्ड है इसके लिए। तो डेफिनेशन इसमें हम लेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन लिंक को आप कह सकते हो कि ये कम्युनिकेट करवाती है मुख्तलिफ लोगों को, जो दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं उनको आपस में जोड़ती है। इस जोड़ने के अमल को यहाँ पर हम कहते हैं ग्लोबल विल्ज। ग्लोबल विल्ज से मुराद यहाँ पर होगा कि हम किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड कर लेते हैं, किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए किस दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ हम देख लेते हैं कि आईटी का रोल हमारी जिंदगी में क्या है। तो आईटी जो है आजकल के दौर में हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। उसके अलावा हम कह लें तो ये मुख्तलिफ किस्म के मसलों को हल करने के लिए यूज किया जा रहा है। और मसले कौन कौन से हो सकते हैं आपकी एजुकेशन में, यानी कि आपने स्टडी करनी है तो स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो वो कैसे है, जैसे एक टीचर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर, जैसे टीचर्स क्या करते हैं कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है या अपने बनाए हुए लेक्चर्स या वीडियोस हैं उनको प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया या स्मार्ट बोर्ड की मदद से प्रोजेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या होता है उनको रोक रोक कर उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको भी साथ में ऐड करते जाते हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिलकर एजुकेशन फील्ड में काम करी है। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में आप देख लो, अगर आपने किसी पेशेंट की या किसी बीमारी के बारे में ही सर्च करना है तो आपको मेडिकल फील्ड जो है वो आईटी की मदद से मिल जाएगा।
इंडस्ट्रियल फील्ड में, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि रिबोट्स जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पर देखें कि जिंदगी के हर शोबे में हमारे पास आईटी जो है वो अहम किरदार है। इसके बाद इसी के अंदर हमारे टॉपिक आता है डिजिटल कन्वर्जेंसी। वो क्या होता है, कहते हैं इट हैज इनेबल अ डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल कन्वर्जेंसी। वो कहते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो तमाम के तमाम क्या करेंगे, कन्वर्जेंसी रखेंगे, डिजिटल कन्वर्जेंसी रखेंगे। अब डिजिटल कन्वर्जेंसी का मायने क्या होता है, वो कहते हैं इसका मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करो, एक दूसरे के साथ उनको मिलाओ। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो मर्जिंग कामल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर ये पिक नजर आ रही है तो इसमें प्रोमिनेंट किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कि आप अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दो। एक जो इंडस्ट्री है वो अपनी जो बनाई हुई चीजों की नॉलेज है उसे दूसरी इंडस्ट्री के साथ शेयर कर दे। इसके बढ़ते हैं सिनेरियो जो आजकल के दौर में इसके इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अ मशीन वर्क लाइक अ ह्यूमन। पहले भी बता रही हूँ, ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह काम करे, और ये अभी हमारे फिफ्थ जनरेशन में चल रही है। उसके बाद आता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। ई कॉमर्स इस्तेमाल होता है कि आप कोई भी बिजनेस के एक्शन या प्रोसेस को परफॉर्म करवाना, या बिजनेस की एक्टिविटी को जो आप इंटरनेट पे करते हो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। मोबाइल कॉमर्स, आपने कुछ भी खरीदना है, कोई भी और ज्यादा सर्विसेज लेनी है तो वो आप मोबाइल फोन के जरिए लेते हो। कंप्यूटर एनिमेशन से मुराद होता है कि आपके पास इमेजेस होती हैं जो यू कह लो मूविंग इमेजेस होती हैं, जो हिलती जुलती तस्वीरें होती हैं, जिसे आप कार्टून कहते हो, उसको आप कंप्यूटर एनिमेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ड को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में क्या होगा कि आप डाटा को मतलब एक इंफॉर्मेशन होती है उसको आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पर रन कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल लें तो आपका जब रिजल्ट आता है तो उस वक्त एक सिंगल टास्क होता है, लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ साइट्स का यूज कर रहे होते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं, तो एक रिजल्ट आएगा तो उसको एक इंफॉर्मेशन होगी, उसको मल्टीपल यूजर्स जो होंगे या मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैलाएंगे या इस्तेमाल करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।